नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार दिन के दौरान पूरे दिन ऊपर नीचे और नीचे एट द एंड डे लो के पास इस समय आता हुआ दिख रहा है। अभी बाजार बंद होने में 31 मिनट का समय रह गया है दोस्तों, 3 बज रहे हैं एग्जैक्टली, आप कह लो 30 मिनट का समय रह गया है। और आपके लिए निफ्टी डे लो पे खड़ा है, बट अभी तक एक रिस्पेक्टफुल लेवल दिखा रहा है, 25,000 के ऊपर है, 25,030 पे है एग्जैक्टली। अब ये 25,000 का लेवल अगर ब्रेक होता है, ये मैंने दिन की पहली वीडियो में भी कहा था और एक बार फिर कह रहा हूं, अगर 25,000 का लेवल ब्रेक होता है तो ज्यादा कुछ नहीं बिगड़ेगा, सेंटिमेंट बिगड़ जाएंगे और जगह खुल जाएगी 24,900-850 की वापस। और इट्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पता है क्या है, इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 25,000 के नीचे गए आप, क्लोजिंग दे दी तो फिर 25,200 चट्टान हो जाएगी एक तरीके से इस थर्सडे तक, इस एक्सपायरी तक के लिए। तो ये नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। जब तक हम 25,000 के ऊपर टिके हुए हैं, कहीं ना कहीं 25,200 कॉल राइटर जो है 25,200 का, वो अभी टेंशन में है। लेकिन एक बार 25,000 के नीचे क्लोजिंग आ गई तो 25,200 वाला कॉल राइटर एग्रेसिव हो जाएगा और सेलिंग करने लगेगा और 25,200 के ऊपर ही नहीं जाने देगा हमें फिर इस वीक तक, ठीक है जी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है 25,000 का। तेजी के लिए क्या है, तेजी के लिए भी 25,200 ही है, 25,200 के ऊपर अगर गलती से चले जाते हम आज, जैसा कि मैंने कल आपसे कहा कि 25,200 टेस्ट तो करेंगे, उसके ऊपर निकलते हैं या नहीं निकलते वो देखने वाली बात है। आज का हाई 25,212 है, तो ऊपर नहीं गए, ऊपर जाके अगर टिक गए तो फिर आपके लिए बड़ी तेजी बनेगी 250 से 300 पॉइंट्स की और 25,000 बेस बन जाएगा। बट ऐसा अभी होता हुआ नहीं दिख रहा है, उसके लिए शायद अभी हमें और वेट करना पड़ सकता है, तो करते हैं वेट। इस बीच में मिड कैप, स्मॉल कैप और बैंक निफ्टी तीनों हरे निशान में रहे, जहां पे स्मॉल कैप में रैली बनी दोस्तों, सुबह से आधा परसेंट समथिंग ऊपर था, एट द एंड 1% के करीब की तेजी आपको आते हुए दिख रही है स्मॉल कैप इंडेक्स में। तो यहां पूरी तरीके से मार्केट को आउट परफॉर्म किया गया है। आज मिड कैप इंडेक्स भी लाल निशान से हरे निशान में आता हुआ दिख रहा है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। बाकी निफ्टी की बात करें तो ये 25,050 पे पहुंचता हुआ दिख रहा है, तो ये भी थोड़ा थोड़ा ऊपर आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। बैंक निफ्टी स्टिल हरे निशान में बने रहने में कामयाब है अभी तक। बाकी निफ्टी सेंसेक्स लाल निशान में 1/3% की गिरावट दिखा रहे हैं। मार्केट ब्रेथ 1130 शेयर्स आपके लिए पॉजिटिव है एनएससी पे, तो 1250 शेयर्स अराउंड नेगेटिव है एनएससी पे, तो घटने वाले शेयर्स की संख्या थोड़ी सी ज्यादा है। आज की लिस्टिंग गरुड़ा दोस्तों, लिस्टिंग बिल्कुल सुस्ती टूट रहा था, लेकिन मैनेजमेंट आया जी बिजनेस के चैनल पे और मैनेजमेंट ने जो ऑर्डर बुक का आंकड़ा सामने रखा ना, उसने मार्केट में दोबारा इसको फ्लेवर में लाके खड़ा कर दिया और शेयर 20% तक ऊपर भागा उसके बाद, और वापस अभी नीचे आता हुआ दिख रहा है, 13% समथिंग ऊपर है। लेकिन जो इन्होंने ऑर्डर बुक बताई है वो इनकी सेल्स से 30 टाइम्स से ऑलमोस्ट, जो इन्हें अगली 4 साल में कंप्लीट करना है, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग बनाने लगी है इस स्टॉक को, और इन्वेस्टर्स यही देखकर यही सोचकर खरीद भी रहे हैं। बाकी मैंने पर्सनल लेवल पे अभी बड़ी रिसर्च या डिटेल में पढ़ा नहीं है इसके बारे में, बट मैंने अपडेट दे दी कि क्यों आज सुस्त लिस्टिंग के बाद ऊपर भागा अचानक। रियलिटीज पे आज मार्केट को लीड करने का काम कर रहा है दोस्तों, यहाँ पे बड़ी तेजी है, बाकी सब सुस्त दिख रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा DLF 1.5%, ब्रिगेड एंटरप्राइज 4%, गोदरेज प्रॉपर्टीज 1.5%, लोधा में भी तेजी है, प्रेस्टीज स्टेट्स में 2.5% की तेजी देखने को मिल रही है, शोभा इस बीच में 4.5% भागता हुआ दिख रहा है आप सभी को। मेटल स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली है दोस्तों, 1.5% नीचे है, हिंद कॉपर 1.25% नीचे है, हिंडालको में 1.25% की गिरावट है, एंड टॉप लूजर्स यही हैं, सेल में आपके लिए 2.5% समथिंग गिरावट देखने को मिल रही है। आते हैं मार्केट्स पे, टॉप गेनर में भैया एंजल वन रॉकेट की रफ्तार से भागा है रिजल्ट्स के बाद, 18% की तूफानी तेजी, मुबारक हो जिसके पास भी है। मोतीलाल ओसवाल अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन, एक और ब्रोकिंग स्टॉक 11% ऊपर, लाइफ हाई हिट कर रहा है धमाका। विजय डायग्नोस्टिक में भी 9% की तेजी है, नेटवर्क 18 फाइव स्टार बिजनेस में भी बढ़िया तेजी देखने को मिली है। गोदरेज इंडस्ट्री यहां पे एक तरफ आपके लिए पूरा का पूरा दोस्तों रियल एस्टेट ऊपर जा रहा है, बट गोदरेज प्रॉपर्टीज नहीं है, गोदरेज ग्रुप से गोदरेज इंडस्ट्रीज है, आज इसमें बड़ा क्रैक देखने को मिला है, लगभग 6% टूट रहा है। ऑयल इंडिया तेल की गिरावट के चलते गिर रहा है, न्यूजेन सॉफ्टवेयर रिजल्ट्स के बाद 5% नीचे है, HDFC लाइफ, नेशनल एल्यूमिनियम में भी आपको गिरावट देखने को मिल रही है। रिलायंस ने निफ्टी का मूड बिगाड़ा है दोस्तों रिजल्ट्स के बाद, 2% की गिरावट, भारी गिरावट बोलूंगा मैं, क्योंकि रिजल्ट से पहले ऑलरेडी आप गिरे हुए होते और रिजल्ट्स के बाद आप एडिशनल 2% टूटते हो तो बड़ा नेगेटिव मानूंगा मैं इसे। आगे बढ़ते हैं, ह्यूंडई का IPO ओपन हो चुका है, कुछ रिस्पॉन्स ज्यादा खास इन्वेस्टर्स से देखने को नहीं मिल रहा है, अवॉइड की बात ज्यादा चल रही है, हमने भी आपके साथ वीडियो शेयर करी आज।
निफ्टी में 31 शेयर्स नेगेटिव है। एचडीएफसी लाइफ अपने रिजल्ट्स के बाद टॉप लूजर बन रहा है निफ्टी का। बजाज ऑटो उसको फॉलो कर रहा है, विप्रो। अच्छा, आईटी में कल तेजी थी, आज गिरावट आ गई, इंटरेस्टिंग था ये। बीपीसीएल, आईसीआईसीआई बैंक और ब्रिटेनिया में तेजी देखने को मिली है। रिजल्ट्स बहुत सारी कंपनीज के आ गए हैं, नाम नोट कीजिए। एचडीएफसी एएमसी, एचडीएफसी लाइफ, डीबी कॉर्प, न्यूजेन सॉफ्टवेयर, महाराष्ट्र बैंक के रिजल्ट्स आते हुए दिखे हैं, जो मैं आपके साथ पोस्ट मार्केट यानी इसके बाद वाली वीडियोस में डिस्कस करना शुरू करूंगा। रिजल्ट्स की बात चलिए तो कौन कौन से नंबर्स और आने हैं वो भी देख लेते हैं एक बार। बड़े नाम में केईआई इंडस्ट्रीज है, पीवीआर आइनॉक्स के रिजल्ट्स आ चुके हैं आई थिंक, जहां तक मुझे लगता है तो पीवीआर आइनॉक्स भी है वैसे, बट मुझे लग रहा है रिजल्ट्स आ गए हैं। रैलीज इंडिया है, ये कुछ स्टॉक्स हैं जिनके नंबर्स का वेट रहेगा। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए एक डिटेल्स थी, होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।